जे बीजेपी ने यह तय करना हो कि कैप्टन साहब भी आते होर लीडर भी आता हो तो भज के जाके हरियाणे के बॉर्डर से हार लैके खड़े होंगे कि कैप्टन साहब आ जाए तो राहुल गांधी के आने ऑप्शन की फिर की करना है तुसी? जे थोनू उस वे उन्हें कहा जी तुसी पासे हटो हूँ नवजोत सिद्धू है दूसरे हैगे तुसी बहुत राज कर लिया तो हरेक जो लीडर जी हले भी लोगों के नाल कनैक्ट हैगा वो कोशिश करेगा कि मेरी भी ऑप्शन की है फिर मैं अपना देखांगा मेरा रस्ता की है। तो हुण जे वड्डी लड़ाई होएगी अगे भी ये देखा गया कि सीएम नु कुछ नहीं करनगे ज्यादा तो ज्यादा ये हो सकता है कैबिनेट कुछ तब्दीली आ जाए बिल्कुल उन्होंने कहें जी तुस बंदे कुछ एडजस्ट कर लो मैक्सिमम तुसी कैप्टन साहब ते ये प्रेशर पा सकदे हो जी। ये भी हो सकता है तुसी प्रधान बदल लो कहा जाता है कि उन्हां दा सीगा कि मिसिज बाजवा नु चेयरमैन ही मंगी सी कोई उन्होंने जिहड़ी कैप्टन साहब ने नहीं दित्ती। मेरे ख्याल कैप्टन साहब ते इस चीज का दबाव है कि बंदे बहुत ज्यादा मर गए जड़ी लिकर ट्रेजेडी दे विच और इस मुद्दे ते हुणे कुछ दिन पहला लड़ाई हो चुकी है चीफ सैकटरी दे एडजस्टमेंट मेरे ख्याल कैप्टन साहब नूं हुण ओह एडजस्टमेंट करनी पएगी क्योंकि वह प्रैशर उधरों वध गया जिहड़ी पहला वह शायद करन नूं तैयार नहीं सी ते इह वक्त शायद वह आ गया जां थोड़ी जिहियां पूछां ते हथ फेरना पएगा। देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया मैं हरजिंदर सिंह रंधावा तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार केसी सिंह। सरदार केसी सिंह साबका सफीर ने बहुत सारे देशों के इन्हां भारत की नुमाइंदगी की है अजकल तो उन्होंने वक् वक् मुद्दों के उत्ते नैशनल चैनल्स के उत्ते अपनी राय रखते जरूर मिलणगे और वह बड़ी राय मूलवान होंगी है इन्हों की कही हुई गल के अर्थ होंगे सियासतदानों इन्हों के पुराने रिश्ते ने सियासतदान किसी भी पार्टी संबंधित है उन्होंने विचरे ने इन्होंने उन्होंने लोगों काम किया है उन्होंने साइकी जानते हैं और खास तौर पर जोड़ा एक अफसरशाही वर्ग होंगे वो अंदर दियां बरीकियां दी नब्ज टटाउण वाले लोग है। सो मैं ये सवाल इन्हां नूं करन लग्गिया कांग्रेस कल्चर नाल जुड़िया अजकल एक बड़ा वड्डा विवाद चल रहा है कि कांग्रेस हौली हौली मरदी जा रही है खुरदी जा रही है लेकिन उस तो भी वड्डा सवाल है कि कदे भाजपा के वड्डे लीडर्स ने यह दावा किया कि कांग्रेस मुक्त भारत हुण इहदे विच कांग्रेस के वड्डे लीडर आप भी अपना योगदान पाउंदे नजर आउंदे आ कई स्टेट जिहड़ियां ने उन्हां चों कांग्रेस हौली हौली डिसॉल्व होने की स्थिति च है गुजरात वर्गी स्टेट दे विच कांग्रेस तां कदे बोलबाला हुंदा सी हुण दहाकियां तों उत्थे इन्हां नूं सत्ता नहीं मिली सत्ता ना मिलण करके बहुत सारे लोग जिहड़े आ पार्टियां छड जांदे हुण इह सिलसिला पूरे देश विच फैल रहा सरदार साहब नूं इह सवाल है। सरदार साहब पहलां तां जी आया ते सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। दूजी बेनती इह आ कि तुसीं जिहड़ी बरीकबीनी नाल देखदे हो दूर तों नजर रख रहे हो स्कैन कर रहे हो अपने अनुभव है उहदे नाल तुसीं इहनां नूं की किवें महसूस कर रहे हो कि किधर नूं जा रहे आ जिहड़ा उहनां दा कांग्रेस मुक्त भारत का एक संदेश सीगा स्लोगन सीगा वह पूरा होजू अगले समय दे विच कांग्रेस की स्थिति आ यह खुर जाऊ जां सरवाइव कर जाऊ? देखो दो तरह दीआं स्टेटां जिहदे विच कांग्रेस है इस वेले कई तां स्टेटां इह जिहड़ियां जिहदे विच सिर्फ दो ही पार्टियां कांग्रेस ते बीजेपी है जिवें राजस्थान है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है होर इहदे अलावा तुसीं उत्तराखंड कह सकते हो हिमाचल कह सकते हो इह स्टेटां दे विच सिर्फ दो ही पार्टियां तो उहदे च कांग्रेस दा खत्म होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इह नैचुरल है कि एक पार्टी जे सत्ता च आंदी है वर्कलाफ जो बंद जिन्हों के वर्कलाफ जाएंगे उन्होंने को कोई होर रस्ता नहीं होता या अपनी रीजनल पार्टी बना या फिर कांग्रेस को जिंदा रखेंगे। सो इस करके कुछ स्टेटा जिंदा रहेगी इस तरीके जिम्मे गोवा पर यह स्टेटा छोटिया हुई हैं व्डिया जड़िया स्टेटा जिम्मे महाराष्ट्र है उत्थे कांग्रेस तीजे दर्जे से आ गई है उत्थे शिवसेना बीजेपी एनसीपी तीजे या चौथे से कांग्रेस है उत्तर कांग्रेस की हले भी हाँ हले भी वोट है जी। लेकिन वो वोट ऐसी नहीं है कि ये पावर मेकर होन ये पावर च हिस्सा ले सकते हैं ताकत च लेकिन ये बना नहीं सकते कि इन्हां दे क्या चीफ मिनिस्टर बने इसे तरीके नाल झारखंड है इसे तरीके नाल बिहार है हुण यशवंत सिन्हा जिहड़े बीजेपी नूं छड्ड के आए है विदेश मंत्री रहे वित्त मंत्री रहे एडे वड्डे लीडर ने बीजेपी नूं छड्डिया होया वो इस वेले पटना च पटना चों जाके उन्होंने तीन चार हफ्ते का कैंप लगाया वो बाहर निकल के कोशिश भी ये कर रहे हैं कि तीजा तड़ा उत्थे क्रिएट हो जाए ये ना हो कि लालू की पार्टी तो क्योंकि उन्होंने लड़का लीड कर रहा है जेड़े बंदे छड़ के जा रहे हैं वो या बीजेपी चले जान या वोट खराब हो जाए क्योंकि बिहार च इस वेले हालत खराब है नीतीश कुमार जी तो
ना तो कोविड संभली गई है ना उत्थे फ्लड आए हैं वो संभले जा रहे हैं, तो इस करके उत्थे हालत खराब है बीजेपी की। तो बीजेपी की तो हाले फिर भी ठीक होनी है, लेकिन जेडीयू की हालत, जनता दल यूनाइटेड की हालत खराब है। लेकिन उत्थे भी कांग्रेस की प्रॉब्लम की है कि हले भी वो कोशिश नहीं करेंगे कि यशवंत सिन्हा नाल जिन्हां दी बहुत दोस्ती है शत्रुघ्न सिन्हा नाल जिहड़े कि कांग्रेस च ने, कि वो कम से कम यशवंत सिन्हा की सलाह लैन, कम से कम उन्हां नाल कोई मुलाकात करन। इन्हां नूं डर हो जाता है कि बड़े धड़े का जो लीडर लै लिया फिर साडी गल नहीं सुनूंगा, सानूं इन्हां दे पिछे लगना पएगा। और हुंदा अखीर च यही है कि लालू यादव की पार्टी ने तो इन्हां नूं छोटा जिहा हिस्सा केक का कट के दे देना है कि तुसीं आ जे खाने दो चमचे खा लो, नहीं तो तुसीं रहन दो, क्योंकि इन्हां दी वोट नहीं बची। अपर कास्ट सारी बीजेपी लै गई है, जिहड़ी दलित वोट है वह बंट गई है पासवाना दे विच। हुण इस वेले कहा जा रहा है कि शायद पासवान एक रोल प्ले करे, क्योंकि पासवान एक ऐसा पोलीटिशियन, ऐसा पोलीटिशियन गिने जाते हैं जिहड़े हवा देख के चलते हैं। सो पासवान कम से कम 15 साल तो सत्ता च है, तो वह देखता जो हवा बदल जाती है तो पासवान भी बदलेगा। तो उत्ते कुछ आवाजा निकल रही है, इन्हों बेटा जो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नजर आ रहा है कि जे इन्हों बीजेपी ते जेडीयू ने सीटा ना छड़िया तो पासवान जुड़ सकता है इधर। लेकिन यह जे हालात भी कांग्रेस बैक सीट पर है, कांग्रेस ना तो आप अगे है, ना एक अलायंस क्रिएट करन च अगे है, ना कोई ऐसे बंदियां नूं लेना चाहती है जिहड़े बंदे इन्हां नूं जोड़ सकन। सो यह तो इन्हां दी हालत है उन्हां स्टेटां जिथे ये नीची लैवल से गिर चुके हैं, या फिर यह जो लीडर ने ममता बैनर्जी वगैरह सारे पुराने कांग्रेस के लीडर ने, उन्होंने अपनी रीजनल पार्टियां बना लिया। सो या तो एवं ही आंध्रा च है, सो या तो रीजनल पार्टियां बन चुकी हैं, इन्हों के लीडर टुट के चले गए हैं, शरद पवार भी एन जी ने, या फिर ये एक छोटी लैवल से ने, या फिर उत्थे ने जिथे दो ही पार्टियां बची हैं उत्थे इन्हों का रोल हले भी बचा हुआ है। लेकिन ताही कोशिश कर रही है बीजेपी की धन की पैसे की ताकत नाल, सत्ता की एजेंसियां की ताकत नाल उन्ना जगह भी सरकार तोड़ लैन कांग्रेस की जिथे कांग्रेस जित के आई है। पहला गोवा च इन्हों की सरकार इन्होंने बनन नहीं दिती जबकि बीजेपी हारी सी, फिर इन्होंने हुण मध्य प्रदेश इन्हां दी सरकार तोड़ ली, हुण राजस्थान च पिछे पए है। तो इस करके ये नवा जिहड़ा मॉडल बीजेपी नूं भी नजर आंदा है कि सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिहड़ी ऑल इंडिया लैवल ते जिहदी हले भी सपोर्ट है, भावे जितदे होण ना जितदे होण। और उन्होंने यह भी पता कि 1980 च जब उन्होंने दो सीटा आई सी, उदो लोग समझते सी बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दो सीटा के बावजूद पार्टी वो अपने पैरों से खड़ी होगी, उन्हें राम मंदिर की एजुकेशन शुरू कर ली। इस करके पार्टियां जाग जाती हैं जो उन्होंने काडर न टुटे, लीडरशिप ऐसे मुद्दे उठा सके जिहड़े मुद्दे लोगों नाल जुड़ सकन। इस वेले इन्हों एक पहली गल तो मुद्दे उठाने नहीं आते, सैकेंडली जे राहुल गांधी जेडे ना तो प्रधान ने, ना वो बाहर ने पार्टी के ना अंदर ने, दिल्ली से खड़े है, ना कोई होर अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, अंदर माता जी ने बाहर पार्टी है, दिल्ली से खड़े राहुल गांधी ने। हुण वो कोई मुद्दा चकनगे वो मुद्दे की ऐसी नाश मार देनी है कि वह मुद्दा फिर जेड़ा मुद्दा बहुत वड्डा मुद्दा बन सकता है उन्होंने वो चक के अगे नहीं ले जा सकते। उन्होंने एक पॉलिटिशियन का तरीका नहीं आता है मुद्दे पब्लिक तक कैसे पहुंचाना है, पब्लिक जी कल एक नैशनल टेलीविजन चैनल ने पोल किए पता नहीं ठीक है या गलत है, उसके मुताबिक 70% बंदे कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चीन को ठीक जवाब दिता, जबकि जिन्हें पढ़े लिखे बंदे रिटायर्ड जनरल साढ़े अर्गे है वो सारे रौला पा रहे हैं कि भाई चीन डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मिनिस्ट्री की अपनी साइट से उन्होंने लगा दिता कि चीन अंदर आया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं चीन अंदर ही नहीं आया, हूँ जे इनू तुसी मुद्दा नहीं बना सकते जे देश की हद के अंदर एक होर ताकत अपनी आर्मी नू कसा ले और तुसी उस गल ते सही बयान ना दो पब्लिक नू और पब्लिक इस चीज ते उठे ना, या तो पब्लिक बोली हो गई है या थोनू पब्लिक नू सुनाना नहीं आता। हूँ ये मुद्दे कांग्रेस के अगे ने कि लीडरशिप उन्हां दी कौन होवे, ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
राहुल गांधी प्रियंका गांधी ये तिकड़ी तो चलती रहूगी, लेकिन तुहानू लगता है कि इन्हां कोल बाकी चेहरे ऐसे बचे आ जिवें शशि थरूर की अप्रोच बड़ी दूर तक है जिहड़ी अच्छी अप्रोच है बड़ी दूर तक उन्हां दी रीच है। दूजी गल जिहड़ी है इहदे विच अच्छे अच्छे लोग बैठे आ, अजे भी असीं कपिल सिब्बल की गल करदे आ, बेशक चिदंबरम की छवि बड़ी खराब हो गई है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्गे लोग अजे भी सपोर्ट करते हैं, अजय जयराम रमेश वर्गे लोग बैठे ने। तुहानू लगता है कि इस तरह का एक सिलसिला आया वड्डी लीडरशिप का, लेकिन वह हुण कितें नजर नहीं आउंदी, जां उहनू नजर आउण लई मौके नहीं दित्ते जांदे, जां उहनां नू इस प्लेटफॉर्म नू ठीक तरीके नाल वरतण लई इजाजत नहीं दित्ती जांदी। देखो जिहड़ा लीडर लड़ के अपनी सीट नहीं जित सकदा और यहां अपनी सीट के अलावा 5-10-15 होर एमपी नहीं जिता सकता, उन्हें तुसी लीडर नहीं गिन सकते जी। वो फिर कहे कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर लेवल लीडर बन गया, ताही शशि थरूर नाल मैं वर्त के देखा जब मैं एडिशनल सैकटरी सी उदो ही यूएन च सीगे जी, हुण वो कह रहे ने जी साडे कोल प्रेजिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि शशि थरूर नूं इह लगदा है कि जे वन ऑन वन कॉन्टेस्ट हुंदा वो गल ठीक है, बोलण च होशियार है, उहदी पर्सनैलिटी उस तरीके की है, लेकिन एक प्रेजिडेंशियल सिस्टम च कोशिश कर सकता है अगे आने की, लेकिन इस सिस्टम च की वह केरला च भी दूजे बंदियां नूं जिता ले होर पार्टियां, ऐसा लीडर कौन होवे कांग्रेस का जिहड़ा लड़के साहब मनमोहन सिंह का लड़ा नहीं सकते, कैंपेन नहीं कर सकते, ये तो एग्जैक्टिव हैड्स ने सीईओज ने, ये पार्टी दे जिवें कंपनी दे विच ओनरशिप किसी मालकियत किसी होर दी हुंदी है, और तुसी एग्जैक्टिव सीईओ किसी होर नूं जिहड़ा जिहड़ा कंपनी नूं चलाण वाला हुंदा है कोई होर तुसी बाहरों सिलेक्ट करके बंदा लिया दिंदे हो लगाए, लेकिन वोटां तां उसे कोल है ना जिहदी पार्टी है, तो इस करके कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस सारिया पार्टियां चाहे कला कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज्यादातर इस करके अगे आ गया क्योंकि दो इलेक्शन हार गए, एक दे बाद एक दो दूजी उन्नी बुरी तरह जिनी पहली हार रहे हैं, फिर सवाल उठता है कि वह लीडर जिन्हें पहली बार भी सी जो दूजी बार भी सी किसी भी डेमोक्रेसी दे विच वह लीडर नहीं बच सकता जिहड़ा इलेक्शन हार जाए, और दो बार हार जाए तो साफ हो जाता बिल्कुल ही उदे तो अपने आप ही जाहिर है कि यह लीडर नकारिया गया एक तो नहीं जा सकता, हुण इहदा सवाल इहदा मतलब है तुहानू रीजनल लीडर जिहड़े आ उहनां ते डिपेंड करना पएगा, कैप्टन साहब हैगे पंजाब च उह जिता सकदे आ, आप भी जित सकदे आ जिता भी सकदे आ, हुड्डा हैगा हरियाणा दे विच, जे हुड्डा साहब नूं मेरे ख्याल इन्हां ने खज्जल ना कीता हुंदा और पहला थोड़े जे कुछ हफ्ते पहला उहनां नूं अंदर लिया हुंदे ते हरियाणा च तां कसर बड़ी थोड़ी रह गई सी, इलैक्शन हरियाणा भी जित सकदे सीगे इहनां नूं अंदाजा ही नहीं सी। इवें राजस्थान च पायलट का जो मर्जी कही जान पायलट देखने नूं गल करन नूं बड़ा वधिया लगता टेलीविजन पे, लेकिन वह प्रधान सी जिहड़े 10-12 इंडिपेंडेंट जित के आए ने उन्होंने टिकट क्यों दिती, जे वह एज इंडिपेंडेंट जित सकते हैं तुसीं किन्ने सियाने हो कि उन्होंने बंदियां नूं टिकट ना दिओ, तो इस करके गलतियां कांग्रेस दियां भी हैगियां, नहीं इन्हां दी 25-30 दी उत्थे मेजोरिटी होनी चाहिए, राजस्थान नॉर्मली एक पार्टी नाल जांदा फिर दूजी नाल जांदा, ऐतकी अद विचाले क्यों रह गया जी, सो ए मैंने इन्हां दी ठीक तरह इन्होंने हैंडल नहीं किया राजस्थान, सो वह जिहड़ी केंद्र दे विच कमजोरी आ रही है कांग्रेस पार्टी की कि फैमिली बैठ के डिसाइड करती है, आले दुआले उन्होंने बंदे अहिजे रखे हुए है जिहड़े कोई जिन्होंने बहुत ही समझ नहीं है स्टेटां की, स्टेटां दे इंचार्ज बना रखे जिन्होंने स्टेटां की समझ नहीं है, लॉयल्टी देखते हैं कि यह वफादार कौन है साडे नाल, यह नहीं देखते हुशियार कौन है, यह नहीं देखते यह बंदा कितने ताई थोनू समझाउंदा है इशूज ते आंदा कि नहीं, तो वह चीज तो बदलदा बहुत टाइम लग रहा है, इन्हें किवें बदल सकती है कांग्रेस, यही सारिया तो अगे मुद्दा है, ताही आ जिहड़ी पिछली लड़ाई छिड़ी है जिहदे च कि यूपीए ते एक बंदे ने अटैक करता कांग्रेस के ऐसे बंदे ने जिहड़ा राहुल गांधी के नेड़े है कहा कि जी यूपीए की गलती सी जिहड़े असीं हारे हैं दूजी बारी, हुण इदों गलत गल की हो सकती है, तुसीं लीड कीती है पार्टी, तुसीं कैंपेन लीड कीता है, फिर तुसी कहो नहीं जिहड़ा पुराना प्राइम मिनिस्टर सी उहदी गलती सी, उह प्राइम मिनिस्टर लड़ी नहीं रहा अगली इलेक्शन। सरदार साहब सवाल इस तों भी अगला है कि की फिर ये वेट करनगे नरेंद्र मोदी उन्हां दी सरकार भारतीय जनता पार्टी जां आरएसएस दी नाकामी असफलता दे विचों इन्हां दी सफलता आऊगी, जे हालात यही रहिंदे आ इहदा मतलब ये वेट करनगे कि वह कदों असफल होण ते इह फिर इन्हां नूं सरकार मिले। एक अगला सवाल नाल ही खड़ा हुंदा है कि हुण जदों ऐसे बदतर हालात बन रहे आ ते इस परिवार तो बाहरी केड़े लोग जे तुसी जिन्हां नूं निजी भी जानदे हो जां तुसी एक पब्लिक दे विच उहनां नूं एनालाइज भी करदे हो केड़े लोग आ उह कांग्रेस नूं खड़ा करन च स्टेबल करन च योगदान कर सकदे आ, उह कोई खास व्यक्ति विशेष तुहानूं लगदा है
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ, ਉਹਨੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਏਗਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, GST ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ 70 ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ 73 ਦੇ ਬਾਅਦ, 74-75 ਤਾਂ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ 370 ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਚ ਰੋਟੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਗੂਰ ਗਿਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਗਿਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਬੜਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੇਸ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ
कांग्रेस ये भी सोचेगी जे कैप्टन साहब वर्गा लीडर तुम उन्होंने तंग करोगे तो वह जे हिल जाण किसी पासे तो वह तो फिर भूचाल आ जाएगा पंजाब की पार्टी च। जे बीजेपी ने यह तय करना हो कैप्टन साहब भी आते होण ते होर लीडर भी आता हो तो भज के जाके हरियाणा के बॉर्डर से हार लैके खड़े होंगे कि कैप्टन साहब आ जाए तो वो एक कार्ड जिहड़ा हैगा पत्ता कैप्टन साहब कोल भी है इन्हां नूं डराउण लई ये अगे भी खेलिया गया कि जे तुसीं कैप्टन साहब नूं रखोगे इज्जत मान नाल तां ओह तुहाडे नाल रहणगे जे तुसीं उहनां नूं सताओगे तां ओह पत्ता उहनां कोल भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰੀ ਤੇ ਔਰ ਯੂਪੀਏ 2 ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟੋ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੋਲੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੋਲੋ ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਨੀਚੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਖਾਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਖਾਸ਼, ਉਹ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਦੂਲੋ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਦੂਲੋ ਤੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਗਵਾਉਣੋਂ ਰਹੇ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ
प्रदेश प्रधान ने यह दोवें इन्हां नूं गवाउणो रहे। तुहाडा मतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वारी इन्हां दी चाल च उलझ गया, कुछ ना कुछ दे के खलासी होऊ। मेरे ख्याल कैप्टन साहब ते इस चीज का दबाव है कि बंदे बहुत ज्यादा मर गए जिहड़ी लिकर ट्रैजेडी दे विच, और वो डिपार्टमेंट इन्हां कोल खुद है। किसी होर मंत्री कोल हुंदा तां तुसीं इंक्वायरी सेटअप करके उहदी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकदे सी। और इस मुद्दे ते हुणे कुछ दिन पहला लड़ाई हो चुकी है चीफ सैकटरी दे उपर, जबकि मनप्रीत बादल ने और उन्होंने भी इसे मुद्दे नूं उठाया सी। उसे मुद्दे ते हुण दूसरा धड़ा एक फ्रंट खोल ले, तो वो नजर आता है कि ये पब्लिक दे विच भी ये मुद्दा ऐसा है जिहदे च कि कैप्टन साहब नूं भारी पै सकदा है। तो उन्होंने कहा कि ये अटैक नूं रोकना पएगा, ऐसे वक्त रोकना पएगा, ये वध सकदा है अटैक, क्योंकि जो सारे धड़े इकट्ठे हो गए, मनप्रीत बादल भी सीगे पहला, दूसरों ने भी कहा कि चीफ सैकटरी भी इनवॉल्व सी, वह छड़ गया लेकिन उन्होंने दूजी पोस्ट देती, वह मुंडा भी यह कहा जाता है कि मुंडा भी इस बिजनेस सीगा। तो वो सारे मुद्दे जो इकट्ठे हो जाते हैं, कैप्टन साहब को नजर आया कि यह फौजा इकट्ठिया होके जो अटैक करनगियां तो यह अटैक बढ़ जाएगा। वो फिर जब थोड़ा नजर आवे अटैक बढ़ रहा है तो तुम कोशिश करते हो कि इस अटैक को इतने ही रोकया जाए, इन जो जगह देती तो यह चीज फैल सकती है। और सेंटर भी ये कोई रोल प्ले कर सकता है, कल में कोई इनक्वायरी सेटअप कर दें, क्योंकि बंदियां दी जिस लेवल दी यू नो इन्ने बंदे मर जाएं, बहुत 100 तो वध लोग मर गए, 120 दे करीब 100 तो या 100 तो वध लोग मर जाएं, ते तुसी उस नूं ए नी अनदेख्या नहीं कर सकदे, लाइटली उस ते तुहानूं एक्शन लेना पएगा जी। लेकिन 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 ये जो हुण जो तुहानूं लग रहा है कि जो एक खलारा पै गया इहदे विच इत्थे कुछ ना कुछ रीशफल रहूगा, भावें वह प्रदेश के संगठन च होवे भावें कैबिनेट दे विच होवे, ये खलासी हुण टेबल ते जाके होनी है। और टेबल दे उत्ते जिहड़े मरे पए, मरे तो नहीं मैं कहूँगा, सियासी तौर पर बहुत नीवें चले गए लोग आ जिन्हां दी हुण सियासत दे विच खास तौर पर सत्ता की सियासत में ज्यादा वड्डी हिस्सेदारी नहीं रही, उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल सकता, तुहाडा मतलब है? हो सकता है, फैसला जब हुंदा है एडजस्टमेंट, मेरे ख्याल कैप्टन साहब नूं हुण ओह एडजस्टमेंट करनी पएगी, क्योंकि वह प्रैशर उधरों वध गया जिहड़ी पहला वह शायद करन नूं तैयार नहीं सी। इस नैगोसीएशन दे विच नवजोत सिंह सिद्धू भी जाके शामिल हो सकता है, जां सद्या जा सकता है, जां जे वह कांग्रेस हाई कमांड जिहड़ी तिन्ने ही मैंबर आ परिवार दे, जे उन्हां लई उन्हां दे मन च सिद्धू लई कोई सॉफ्ट कॉर्नर होएगा, ते जदों पंजाब नूं डिस्कस कर रहे होणगे, फैसले लै रहे होणगे, ते सिद्धू नूं भी सद सकदे, तुहानूं लगदा? देखो कैप्टन साहब भी कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा जो दो तीन धड़िया नाल थोड़ी लड़ाई हो रही है, तुसीं तिन्नां नाल फ्रंट नहीं खोलना चाहोगे, उन्हां चो एक दो दी पूछ ते हथ फेरना पएगा तुहानूं, नहीं तो सारे के सारे जो इकट्ठे हो जाते हैं फिर थोड़े लिए मुश्किलात होएगी। तो कैप्टन साहब भी यू नो सुलझे हुए पॉलिटिशियन ने, उन्होंने पता है किस वेले पूछ ते हथ फेरना, किस वेले ठुड्डा मारना, तो ये वक्त शायद वो आ गया जब थोड़ी जी पूछा ते हथ फेरना पएगा। इस वे पएगा ये बहुत दिलचस्प मोड से गलबात लाए हो, थोड़ा धन्यवाद, तुम नज़र बना के ही रखते हो। सो असी फिर एक किसी नवे घटनाक्रम से खास तौर पर ये संबंधित असं जरूर मिलते हैं जी, बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। मेहरबानी।